जिन लोगों में खून की कमी होती है, आपको पता है कि उनके जिस्मों के अंदर हमें कौन सी अलामात यानी साइंस नजर आ रहे होते हैं? और छड्डो जी मैं रास्ता आना। खून की कमी का सबसे पहला साइन जो होता है वो हम हाथ की हथेलियों पे देखते हैं। हाथ की हथेलियों के अंदर आपको एक लाली नजर आ रही होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है, दिस इज नॉर्मल। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनमें ये लाली खत्म हो जाती है और उनके हाथों की हथेलियाँ थोड़ी पीली पीली हो जाती है, इसको हम पैलर बोलते हैं। खून की कमी की दूसरी अलामत हमें उंगलियों के नाखूनों में नजर आती है। ये जो नाखूनों का टेक्सचर है ये भी खून की कमी में खराब हो जाता है, खास तौर पे जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, यानी आयरन की कमी होती है उसकी वजह से खून की कमी होती है, उनके नाखूनों में यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, इसको हम काइलोनेकिया बोलते हैं। खून की कमी की जो तीसरी अलामत है वो आपकी आंखों के अंदर नजर आती है। आप अपनी आंख का कंजक्टाइवा देखो तो आपको उसके अंदर रेडनेस नजर आएगी, दैट इज नॉर्मल। लेकिन जिन लोगों के अंदर खून की कमी बहुत ज्यादा होती है उनके इस रेड एरिया के आगे एक छोटी सी बारीक सी व्हाइट लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवल रिम ऑफ पैलर। ये भी खून की कमी का एक बहुत बड़ा निशान होता है। सो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर दानियाल अहमद, एंड प्लीज लाइक फॉलो एंड शेयर फॉर मोर मेडिकल वीडियोस।